माननीय मोदी साहब और उसकी टीम जो एक तानाशाही रवैया हिंदुस्तान की जनता के ऊपर किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान की जनता इन चुनावों के अंदर देगी। चुनी हुई सरकारों को गिराने का जो षड्यंत्र माननीय मोदी साहब और उसकी टीम कर रही है वो देश के हित में नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री को आप लोग सलाखों के अंदर डाल रहे हो, ईडी, सीबीआई और अन्य जो आपके पास अपने सरकार के संसाधन हैं उनको प्रताड़ना आप लोग विपक्षी दलों के नेताओं को कर रहे हैं, जो कांग्रेस और जितने भी लोग हैं वो इसको नहीं मानते। और मोदी साहब, आपने जो एक तानाशाही रवैया हिंदुस्तान की जनता के ऊपर या जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर किया है या कर रहे हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान की जनता इन चुनावों के अंदर देगी। कि जो भाजपा के राज में इस देश के संसदीय लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है और जो आज भाजपा ये बड़े जोर शोर से बोल रही है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि इस बार 400 पार, उसके पीछे की हकीकत क्या है? 400 पार का नारा क्यों दिया गया? क्योंकि अगर इस देश के संविधान को अगर आपने बदलना है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, जो हमारे देश के कमजोर तबकों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, जो हमारे नागरिकों को कई तरह का अधिकार देता है, जो अनुसूचित जाति को, जनजाति को, उसके साथ साथ जो है ओबीसी को, महिलाओं को और सामाजिक रूप से कमजोर तबकों को जो है आरक्षण भी देता है, कुछ उनको जो है संरक्षण देता है, मोदी साहब की सरकार इस देश के अंदर वो जो है सीधे तौर पर मनुस्मृति थोपना चाहते हैं और वो जो है हमारे देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। और जब तक 3/4 बहुमत नहीं आएगा तब तक वो संविधान बदला नहीं जा सकता है, इसलिए 400 पार का नारा है। लेकिन 400 पार का नारा टाइम टाइम फिस हुआ है, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। पूरे देश में अगर कोई सबसे सुंदर लोकतंत्र है और सबसे सुंदर कोई संविधान है तो भारतवर्ष का संविधान। लेकिन आज धीरे धीरे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, वो ये सोचने पे मजबूर हो रहा है क्या ये लोकतंत्र या ये संविधान क्या सचमुच आगे भी रहेगा। और अगर ये सोच पनप रही है तो इसका मतलब है कहीं तो दाल में कुछ काला है। और जिस तरह से जितने भी ईडी है, सीबीआई है या दूसरी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, तो ये जो सारा कार्यकलाप है ये उस दिशा की तरफ यानी के तानाशाही की तरफ इशारा कर रहा है। हमारा ये मानना है कि मजदूरों के हक के लिए जो 1925 से लेकर 2014 के अंदर सबसे लास्ट का जो एक श्रम कानून बना था रेडी फड़ी वालों के अधिकार के लिए स्ट्रीट वेंडर एक्ट के नाम से, और तो वो जो 44 कानून है इस मोदी सरकार ने उनको खत्म कर दिया। और हम जो जितने भी मजदूरों के संगठन है और हमारा मजदूरों के संगठन के नाते भी हमने सीटू के बैनर के तहत एक मजदूरों का घोषणा पत्र जारी किया है, बनाया है, उसको हर मजदूर तक, हर गांव में जहां भी हमारा मजदूरों का संगठन है, ढांचा है, उसके अंदर उस मजदूरों के घोषणा पत्र को भी ले जा रहे हैं, साथ में पर्चा वितरण किया जा रहा है। मंडी जिला के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं जयराम ठाकुर जी, जिनका कद बहुत ऊंचा है, उनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन श्री कंगना रावत जी ने उनका कद और उनका व्यक्तित्व महज चंद सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया। इस सदर चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आदरणीय अनिल शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक हैं, एक बहुत बड़े नेता हैं, उनका संबोधन ऐतिहासिक शेरी मन से सुश्री कंगना रावत जी ने करना उचित नहीं समझा। मान सम्मान शीर्ष नेतृत्व को देना एक समझदारी होती है राजनीति के अंदर। सुश्री कंगना रावत जी आपका दोष नहीं है, क्योंकि आप अभी राजनीति के अंदर अनाड़ी हैं। यहाँ बहुत बहुत बड़े नेता, चाहे वो कांग्रेस के अंदर
चाहे जो हमारा विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनका बहुत बड़ा कद है, लेकिन आपने जो शीर्ष नेतृत्व तो हिमाचल प्रदेश का है भाजपा का, आपने अपना कद उस शीर्ष नेतृत्व से बड़ा किया है, ये शर्मनाक बात है। मैं अब आग्रह करूंगा ऐसा मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मोदी साहब की सरकार जो 10 साल के अंदर लोगों को थी वो आज पूरी नहीं हो पाई है। आज गुस्सा है हर लोगों के, और दुख के साथ कहना पड़ रहा है हम लोगों को कि आज चुनी हुई सरकार आप लोग सलाखों के अंदर डाल रहे हो। ईडी सीबीआई जितने भी लोग हैं वो इसको नहीं मानते, और मोदी साहब जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में हो रहा है कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है। लेकिन 32 मिनट के भाषण के अंदर केवल मात्र कांग्रेस पार्टी में, लेकिन सुश्री कंगना रावत जी ने उनका कद और उनका व्यक्तित्व महज चंद सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया, पार्टी लाइन से हट गया। मैं ये बात हमारी छोटी काशी मंडी मान सम्मान शीर्ष नेतृत्व को देना एक समझदारी होती है। देश के संविधान को, हमारे देश के लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है, और उसके पीछे जो उनका 10 साल का प्रशासन उसको कुछ उदाहरण था, उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो हर साल 2 करोड़ नई नौकरियां पैदा की जाएगी, जिसका मतलब है इसी तरह से नस्लवाद का नारा देकर के, नस्लीय शुद्धता का नारा देकर के 5.5 करोड़ लोग दुनिया में मरवा जाए। उसके सभी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं थे और खासकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं थे अनुरोध लेके आए। सबसे बड़ा हमला जैसे किसानों पे हुआ था और किसानों ने उसको लड़के तरह से जो श्रम कोड है उसमें बदल के, हालांकि वो पारित हो गया संसद में, मगर मजदूरों के आंदोलन के चलते, विरोध के चलते अभी भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।